कैसी मजबूरी है? कि आप हिंदू की बात आते हैं आपको दिक्कत होने लगती है, राम मंदिर की बात आते हैं दिक्कत होने लगती है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नाच गाना लगने लगता है चंद्रमोहन जी, ये कौन सी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की? के नाम के ऊपर दही जम जाती है, दही जम जाती है। क्यों? राम जी ने ये सिखाया था आपको, राम जी के आचरण ये था। अच्छा, अरे राम का नाम लेते हो फिर चलिए। नहीं नहीं, रोहन गुप्ता एक रिप्लाई करिए फिर अध्यक्ष जी आ रहा। चलिए सर, रोहन आपका इशारा रोहन गुप्ता की ओर था कि दूसरी पार्टी में है, तो उनका रिप्लाई ले लीजिए फिर मैं अध्यक्ष जी के पास जाता हूँ। देखिए राकेश जी, मुद्दा यहाँ पे ये है, हमारे साथी जो हाथ ये बात साइकिल में तो हाथ के साथ भी धोखा कर दिया, नौ की नौ सीट में कांग्रेस को दी नहीं है, तो साइकिल ने तो हाथ के साथ भी धोखा कर दिया, ये तो उनकी मजबूरी है बोल रहे हैं। वहां के कार्यकर्ता रो रहे कि कांग्रेस पार्टी लड़ भी नहीं पाई उनके साथ, ये तो इनके गठबंधन का हाल है। मुद्दा क्या है यहाँ पे राकेश जी? मुद्दा है तुष्टीकरण का। आप अगर सांसद हैं, अगर आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं ऐसे भी चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी सुन लीजिए सर, इसके बाद तुरंत आपको समय दे दूंगा, फिर समय दे दूंगा, फिर समय दे दूंगा, समय की कमी नहीं है चंद्रमोहन जी, समय की कमी नहीं है। रोहन गुप्ता को सुन लीजिए, पिन पॉइंटेड करके आपने सवाल पूछा था, वरना अध्यक्ष जी के पास में जा रहा था। सुन लीजिए पहले उनको, फिर आप जवाब दे लीजिए। राकेश जी, मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये जो भी इंडी गठबंधन है, अभी इंडी गठबंधन तो खत्म हो चुका है, ये लोग अंदर ही बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को काट डाला, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सपा को काट डाला, तो अभी रुझान तो आपके सामने आएंगे। मुद्दा क्या है यहाँ पे? देखिए जिस अयोध्या के नाम पे इन्होंने राजनीति की, देखिए अयोध्या में भी है जो है भाजपा हार गई, आज उसका रुझान देश के सामने आ रहा है। हकीकत, सांसद हैं आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, जनता ने आपको सांसद बनाया है, आप जाइए हर जगह जाइए, पर आपको ये मैसेज देना है कि नहीं मैं तो दरगाह जाऊंगा मंदिर नहीं जाऊंगा, ये मैसेज गलत है, ये देश के लिए गलत मैसेज है। अगर करते हैं तो सब करिए, आपको लगता है कि नहीं हम मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, सब बात कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब सरकार के मुद्दों की बात आए तब आप अपना तुष्टीकरण करें, और जब हिंदुओं को बांटने की बात आए तब आप उसमें भी आपको आपत्ति है। दोनों चीज साथ में नहीं चल सकती, ठीक है। आपका असली चेहरा देश के सामने आ रहा है, अगर आप जाएं तो दोनों जगह जाएं या मत जाएं, मुद्दों पर बात करें। मैं मुद्दों पर आता हूं राकेश जी, इनकी हकीकत बता रहा हूं, क्यों इनको तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। अगर मुद्दों पर बात होगी, अगर आयुष्मान भारत की बात होगी तो देश का हिंदू मुसलमान सब उसका फायदा होगा, उज्ज्वला योजना की बात आएगी देश का हिंदू मुसलमान सब उसका फायदा ले रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर बात आई तो मुसलमानों की वोट इनको नहीं मिलेंगे, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण इनकी मजबूरी है, उनकी दुकान चलाने की मजबूरी, ये हकीकत है, ठीक है। अब अवधेश जी, जो भाषा तारिक अहमद लारी की आ गई, जैसे लग रहा था कार्टून चैनल पर बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए अवधेश जी, मैं आता हूं, ये कुछ दिखा रहे हैं चंद्रमोहन जी, पहले सुन लेता हूं उनको। बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। राकेश जी, एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, जरा कैमरामैन को बोलिएगा जरा दिखा दें, जरा ये दिखा दीजिए भाई, ये इनके देश के हमारे प्रधानमंत्री और इनके नेता हैं, फिर ये प्रेम किस लिए? अगर ये प्रेम विदेशों में जाके पनपता है तो फिर देश के अंदर दरगाह में जाने वाले व्यक्ति पे प्रश्न क्यों? अरे भाई प्रश्न दरगाह में जाने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे। नागरिक के अंदर 145 हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहिए? अगर ऐसा है तो रोहन भगवान गुप्ता आप ही जवाब दे सकते हैं कि मुद्दों को दबाते हो कि मुद्दों से अपना गिरा जाए। मुझे दरगाह से कोई आपत्ति नहीं है, आप मुद्दों से बचना चाहते हो रोहन गुप्ता, मंदिर से आपत्ति क्यों है? ये लगता हो आप मुद्दों पे बात करिए, देश आपसे पूछ रहा है कि देश के अंदर महंगाई क्यों बढ़ गई, देश आपसे पूछता है बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, नहीं होनी चाहिए देश आपसे ये दरगाह से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लगाने के बाद आप 240 में क्यों सिमट गए? तुष्टीकरण करेंगे लेकिन आप कहते हैं कि हम जीत गए, आपको तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, हो गया आपने मुसलमानों हो गया चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी सर सुनिए ना, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि सवाल को ना समझ पाए, आप सवाल को टालना कैसे चाह रहे हैं ये ना समझ पाए। अवधेश जी किसी ने ये नहीं कहा कि दरगाह पर नहीं जाना चाहिए, जाइए भाई दरगाह पर जाइए, आप गुरुद्वारे भी जाइए, किसने मना किया है, चर्चेज में भी जाइए, जाना चाहिए, लेकिन आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप बाकी सब जगह घुमाएंगे तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई मंदिर से दिक्कत है क्या? अवधेश जी दोनों लोग सवाल से दूर भाग रहे हैं, इसका जवाब हो ही नहीं सकता है, इससे तुष्टीकरण का बड़ा एग्जांपल। रोहन जी आता हूं सर, अवधेश जी सवाल पूछा ही जाएगा, रोहन जी एक मिनट, नहीं नहीं सवाल पूछा ही जाएगा, सवाल पूछा ही जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल इनके लिए कितना असुविधाजनक है कि आप राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, दीपावली में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, इसका उत्तर देने का साहस न तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं जो ठहाका लगा रहे हैं बैठ के दूसरे की टिप्पणी सुनने की बजाय,
ऐसा लग रहा है जो बाकी हम निरर्थक लोग बैठे हैं ये ठहाका लगा के मजाक उड़ा रहे हैं। और चंद्रमोहन जी ने एक बार भी नहीं बोला है कि मंदिर उनको जाना चाहिए, वो मस्जिद में जाएं। भारत जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, लेकिन अयोध्या दरगाह के लिए नहीं जाना जाता है। अयोध्या वहां रामचंद्र जी की जन्म स्थली, उनके जीवन स्थली, उनका राज करने, इसके लिए अयोध्या जाना जाता है। दीपावली रामचंद्र जी के लंका में विजय के बाद अयोध्या वापसी के खुशी में मनाया जाता है। ये देश के एक एक हिंदू मुसलमान सबको पता है। तो अगर इतनी नफरत है कि आप उस दीपोत्सव में शामिल नहीं होंगे, आपको शर्म नहीं आती है कि आप वहां के सांसद हैं, और इस पर उत्तर देने की बजाय आप बाएं दाएं घूम रहे हैं। और जो तारिक अहमद लारी पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए, जरा जाके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों का नाम पढ़ लीजिए। उसमें आपके दलित भी है, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, जाकर के देख लीजिए। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था। 4,000 लोग ऐसे ही नहीं थे, वाल्मीकि मंदिर के भी आए थे, सब लोग आए थे उसमें। इसलिए जान बूझ करके सुनिए, आप बोल चुके हैं, आपने टाइम्स नाउ के जो दर्शक और श्रोता हैं उनको आपने या तो इतना नासमझ समझा है कि वो वेबसाइट नहीं देखते होंगे और आपको नहीं सुनते होंगे। राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमने सुनिए, बीच में नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने जब, मैं इनको सुन नहीं रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, तो उसमें एक विचार निहित था कि अयोध्या के विचार में श्री राम मंदिर का निर्माण शामिल था। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने उस विचार को हरा दिया है, तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाने वाले और राम मंदिर के विचार को हराया है। तो जब आप इस स्तर पर बात करेंगे तो आपको राम मंदिर जाने में समस्या होगी, आपको दीपावली में जाने में समस्या होगी। और आप जिसको अयोध्या को, अरे भैया कोई गाली आपको मालूम है, लोग बैठे हुए तारिक अहमद लारी, सुनिए ना भाई, ओ भाई सुनिए, तारिक अहमद लारी ये कार्टून चैनल नहीं है, तारिक अहमद लारी ये कार्टून चैनल नहीं है कि यार किसी के बीच में बैकग्राउंड कमेंट्री करेंगे, एक कैरेक्टर बोल नहीं रहा है, दूसरा कैरेक्टर बोलना शुरू कर दिया, तो कार्टून चैनल नहीं है सर, ऐसे नहीं होता है। आपने कार्टून चैनल नहीं ट्यून किया है, तो सुनिए पहले, सुनिए, हाँ तो कार्टून चैनल नहीं है, सुना करिए, इशारा करिए, इशारा करेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। प्रेम कुमार को देखिए, चंद्रमोहन जी को देखिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और महाराज जी को देखिए, उनके पास भी अभी तक नहीं गया, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। आप ही से डिबेट की शुरुआत किया था, और देखिए जल्दी अपनी बात पूरी करिए। मैं पूरी कर रहा था। तारिक अहमद लारी की समस्या यह है कि इन्होंने पीडीए की बात की, मैंने स्पष्ट कर दिया क्या हम में से कौन इसमें पीडीए का है, इनको मालूम ही नहीं है।